हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जेसिका और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम चाशनी बना ले रहे हैं, तो उसके लिए इसमें पानी डाल दिए हैं और चीनी, क्योंकि आज हम रसगुल्ला बनाएंगे। और यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला। और ये देखिए अब ये उबलने लगा, और ये देखिए चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। चाशनी बन करके तैयार है। और यहाँ पर लिए खोआ, 1 किलो खोआ है और 150 ग्राम मैदा। मैदा को खोआ में मिक्स करेंगे और इसके बाद मिलाएंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमारा खोआ थोड़ा सा गीला था तो इसलिए मैदा ज़्यादा लगा है, नहीं तो कम भी लग सकता है, क्योंकि खाने में अच्छा लगता है कम मैदा रहता है। तो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब इनकी गोलियाँ बनाएंगे। इनकी गोलियाँ चिकनी बननी चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे गोलियाँ बहुत अच्छे से बन जा रही हैं, ये देखिए। इसी तरह सारी गोलियाँ बना लिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे बनाने के लिए चूल्हा में जला रहे हैं आग। ये देखिए आग जल चुकी है और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए। अब इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पे हम राइस ब्रान तेल लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। और ये देखिए रसगुल्ला को हम फ्राई कर ले रहे हैं। फ्राई हो जाने के बाद इनको हम चाशनी में डाल देंगे, इसी तरह सारा बना लेंगे। और यहाँ पे राखी बांधने के लिए यहाँ पे लिए हल्दी और चावल, कपूर, दूब, एक हम लिए हैं और एक हमारी मम्मी का है। जलाने के लिए यहाँ पे माचिस लिए और छेना वाला रसगुल्ला है। और ये देखिए इधर साइड राखी है हमारे लिए और हमारी मम्मी जी के लिए। रसगुल्ला को अब हम खोलेंगे सबसे पहले। देखिए ये खुल ही नहीं रहा है, और ये देखिए अब इसको खोल लिए हैं और इसमें निकाल लेंगे। प्लेट में 2 काला वाला रसगुल्ला लिए हैं और यहाँ पे छेना वाला रसगुल्ला ले लेंगे। हमको छेना वाला रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए हम रसगुल्ला को निकाल लिए हैं। यहाँ पे अब हम राखी को निकाल लेंगे बांधने के लिए। ये देखिए इसमें मोर बना है, कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद कपूर को जला लेंगे आरती करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हम आरती उतारेंगे, और आरती उतारने के बाद हल्दी और चावल रहता है तो उसी का टीका लगाएंगे, और इसके बाद राखी बांधेंगे। तो ये देखिए रसगुल्ला खिलाएंगे और पानी, ये हमारे बड़े भैया हैं। अब इसके बाद बांधेंगे छोटे भैया को राखी। तो ये हमारे छोटे भैया, अब इनकी भी आरती हम उतारेंगे सबसे पहले, उसके बाद टीका लगाएंगे हल्दी का और राखी बांधेंगे और इनको भी रसगुल्ला खिलाएंगे, उसके बाद पानी। यहाँ पे हम अपने दोनों भैया को राखी बांध चुके हैं और अब मम्मी बांधेंगी अपने भाई को। ये देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हैं और राधा मैया हैं। तो अब जो है मम्मी बांधेंगी कृष्ण भगवान जी को राखी। यहाँ पे समय बहुत कम था राखी बांधने के लिए और मामा आ ना पाते, तो हमारे 2 मामा हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक मामा हॉस्पिटल में हैं और एक मामा घर पे हैं। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पे आराध्या तो जग गई थी लेकिन त्रिषा और तरु सो रही थी, तो अब कौन जगाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने लगते हैं। और जो हमारे छोटे मामा हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे छोटा सा बाबू हुआ है, तो अब जो है दोनों मामा साथ में आएंगे। यहाँ पे टाइम से राखी भी बंध जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी बांध दे रही हैं अच्छे से। अब भगवान जी हम सब की रक्षा करेंगे, मम्मी का भी करेंगे और मामा जी का भी करेंगे, सबका करेंगे। और यहाँ पे रसगुल्ला खिला करके पानी पिला देंगे मम्मी, और माता जी को भी खिला देंगे। और आज हमारी बड़ी मामी भी अपने भाई को राखी बांधने आई हैं। त्रिषा आराध्या नहीं आ पाई हैं क्योंकि वो नानी के यहाँ हैं, और तरु आ गई हैं क्योंकि इनकी मम्मी हॉस्पिटल में हैं। क्या खा रहे हो बेटा? वो देखो, बाय कर लो, बाय कर लो, तो हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय। देखो कुछ ये खा रहे हैं, आप भी खा लो आके। देखो भाई छोटा मोटा बब्बू खा रहा है कितना अच्छे से। हेलो, इसको जेब में रख लो, इसमें जेब में रख लो, इसमें रख लो इसको, ठीक है, रख लो इसमें, लेते चलना रास्ते में खाना, ठीक ना?
सब्जी मां के तेल में मुझे वो सौंफ हां सौंफ है हां अच्छी है अरे लाल प्याज जो है हां। दोनों मामा जी हमारे खाना खा रहे हैं और यहाँ पे हम खाना बना लिए हैं। अभी बना रहे हैं चना दाल उड़द दाल का वड़ा। चल नमस्ते नमस्ते चल दीदी नमस्ते। हाँ हमारे दोनों मामा अब जा रहे हैं घर और तरु भी जा रही है।